आमिर खान जूही चावला बॉलीवुड की वो जोड़ी है जो एक समय हर दिल पर राज करती थी। कयामत से कयामत तक से लेकर तुम मेरे हो तक इन दोनों ने साथ में कई यादगार फिल्में दी, लेकिन अफसोस ये प्यारी सी जोड़ी इश्क के सेट पर हुई एक छोटी सी अनबन की वजह से दोनों में बातचीत बंद हो गई। जूही आमिर से इतना नाराज हो गई कि फिर कभी उनके साथ काम करने को तैयार नहीं हुई। फिल्म इश्क में आमिर खान और जूही चावला की सातवीं फिल्म थी जिसमें वे साथ काम कर रहे थे। इस फिल्म में अजय देवगन और काजोल भी थे। आमिर खान ने इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान जूही चावला के हाथ पर थूक दिया था। इसके बाद जूही को इतना गुस्सा आया था कि वे रोने लगी थी और उन्होंने ये तक कह दिया था कि अब ये सेट पर नहीं आएंगी। शूटिंग के दौरान आमिर खान ने जूही चावला के साथ एक ऐसा मजाक किया कि दोनों के बीच की दोस्ती ही बिगड़ गई। आमिर ने जूही को बताया कि उन्हें ज्योतिषी आती है और वो उनके हाथ देखकर भविष्य बता सकते हैं। जूही को लगा ये सिर्फ एक मजाक है, लेकिन आमिर इतने गंभीर थे कि जूही को लगा कि शायद उन्होंने सच में कुछ देख लिया है। आमिर खान की बातें सुनकर जूही चावला ने भी अपने हाथ दिखाने के बारे में सोचा। उन्होंने आमिर के आगे अपना हाथ बढ़ाया और तभी एक्टर ने उनके हाथ पर थूक दिया। फिर क्या था, जूही गुस्से में आग बबूला हो गई और रोने लगी। इसके बाद वे अगले दिन सेट पर भी नहीं आई। फिर डायरेक्टर इंदर कुमार आमिर और अजय को लेकर जूही के घर पहुंचे, जहां दोनों ने एक्ट्रेस जूही चावला से माफी मांगी। आमिर खान के माफी मांगने पर जूही चावला इश्क के सेट पर आई और उन्होंने फिल्म की शूटिंग भी पूरी की, लेकिन जूही और आमिर के आपस में बातचीत बंद हो गई थी और दोनों ने 7 साल तक एक दूसरे से बात नहीं की। फिर जब 2002 में आमिर खान और रीना दत्ता ने तलाक लेने का फैसला किया, तब जूही ने हिम्मत करके आमिर को फोन किया ताकि उन्हें समझा सके। आमिर और रीना का तलाक तो नहीं रुका, लेकिन तब जूही और आमिर के बीच की नाराजगी खत्म हो गई। ऐसी न्यूज़ अपडेट रहने के लिए वही टॉक को सब्सक्राइब करें।